नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दिल्ली में फ्री बिजली, पानी और बस यात्रा के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना आखिरी वादा भी पूरा कर दिया है। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई योजना का ऐलान किया, जिसके तहत सभी दिल्ली वासियों के लिए 15 GB डेटा मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार अकेली ऐसी सरकार है जिसने अपने घोषणा पत्र में किए सारे वादे पूरे कर दिखाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्री वाईफाई योजना का उद्घाटन 16 दिसंबर को किया जाएगा। इसके तहत पहले दिन दिल्ली में 100 हॉटस्पॉट शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में कुल 11,000 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे, जिस पर 100 करोड़ का खर्च आएगा। पहले फेज में दिल्ली की हर विधानसभा में हॉटस्पॉट शुरू हो जाएंगे, जिन्हें रेंट मॉडल पर लगाया जाएगा। इसके बाद हर हफ्ते 500 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलेगी, हेल्थ के क्षेत्र में खूब मदद मिलेगी, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत मदद मिलेगी। आज इंटरनेट का ऐसा ज़माना है कि डेटा और इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि हर क्षेत्र में इससे फ़ायदा होगा। तो 11,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जा रहे हैं, 4,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे बस स्टैंड्स के ऊपर, 7,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे बाकी दिल्ली में मार्केट्स में, RWAs में। जो 7,000 हॉटस्पॉट्स हैं वो 100 हॉटस्पॉट्स इन एवरी असेंबली के बेसिस पे लगाए जाएंगे। इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है और पहले 100 हॉटस्पॉट्स लगने तैयार शुरू हो गए हैं। पहले 100 हॉटस्पॉट्स का उद्घाटन 16 दिसंबर को कर दिया जाएगा। वो अभी लगने चालू हो गए और 16 दिसंबर को पहले 100 हॉटस्पॉट्स लग के तैयार हो जाएंगे। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत 7,000 हॉटस्पॉट प्रमुख जगहों जैसे मुख्य बाजार जैसी जगहों पर लगेंगे, वहीं 4,000 हॉटस्पॉट बस स्टैंड पर लगाए जाएंगे। एक हॉटस्पॉट शहर के 100 मीटर के दायरे में काम करेगा, जिसकी स्पीड 200 से 100 MBPS तक होगी। एक हॉटस्पॉट से एक बार में 150 से 200 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए एक ऐप बनाया गया है जिसमें KYC भरकर यूज किया जा सकता है। फोन में OTP आते ही ये तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक ऐप बनाया गया है, ऐप जारी कर दिया जाएगा। उस ऐप के जरिए आप अपनी KYC की डिटेल्स भर दीजिए, आप भर के भेज दीजिए, आपके पास आपके फोन में OTP आएगा, वो OTP डाल दीजिए और आपका कनेक्शन चालू हो जाएगा। और आप एक हॉटस्पॉट के जोन से निकल के दूसरे हॉटस्पॉट के जोन में जब तक एंटर करते हैं तो डिसकनेक्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो अगले हॉटस्पॉट में जाके कनेक्शन ले लेगा। ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में 11,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जा रहे हैं। इसकी सफलता और इसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे फिर जो एरियाज दिल्ली के बच जाएंगे उन एरियाज को फिर फेज टू में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को हर महीने 20,000 लीटर पानी, बिजली की 200 यूनिट फ्री और महिलाओं को मुफ्त DTC यात्रा कराती है। फ्री वाईफाई केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक था और अब जल्द ही ये वादा भी पूरा होने जा रहा है।